नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं चावल की बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बनाने वाली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए चावल का आटा। मैंने एक कप चावल का आटा लिया है और मैंने एक इंच का टुकड़ा अदरक लिया है, दो हरी मिर्च ली है, एक चम्मच तेल है, 1/4 चम्मच नमक है, 1/4 चम्मच अजवाइन है, एक उबली हुई आलू है और हरे धनिये की पत्ती है। उबले हुए आलू को छीलकर और इसे ग्रेट कर लेना है। हरे धनिये की पत्ती, अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट बना लेने हैं या इन्हें बारीक काट लेना है। स्टोव के ऊपर एक बर्तन में एक कप पानी डालकर और इसे बॉईल करना है, क्योंकि आटा इसी में गूंधेगी। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिये की पत्ती को मैं थोड़ा दरदरा पीस लूंगी और अब इसमें नमक डाल देती हूँ, अजवाइन, पीसी हुई हरे धनिये की पत्ती और अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी बॉईल हो गई है और स्टोव को बंद कर देना है और इसमें एक चम्मच तेल डाल देना है और अब इसमें चावल का आटा डाल देना है। इसे अच्छी तरह से पानी में मिक्स करके और मैं इसे 2 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। उससे ये आटा सॉफ्ट हो जाती है और अच्छी गूंथती है। दो मिनट इस तरह से रख देना है। इस मिक्स किए हुए आलू में इस आटे को डाल देना है और इसे अच्छी तरह से आलू में गूंथ लेना है। खूब अच्छे से सॉफ्ट डब इसका बना लेना। इस तरह से गूंद लेने के बाद थोड़ा सा हाथ में तेल ले लेंगे और थोड़ा सा तेल लगाकर और तब आटा को गूंद लेंगे तो आटा चिपकना बंद कर देती है। ये पराठा बहुत सॉफ्ट बनती है केवल आलू डाल देने के कारण। सॉफ्ट हो जाती है और स्वादिष्ट तो होती ही है। एक्चुअली में ये एक खाएंगे तो आपकी भूख बढ़ जाएगी, इतनी स्वादिष्ट होती है ये। अब इसे पराठे बेल लेती हूँ। मैं इसे चपाती की तरह ही बेलूंगी। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है, डस्टिंग के लिए मैंने लिया है। इसे इस तरह से बॉल बनाकर डस्टिंग कर लेना है। जितनी अच्छी तरह से गूंदेंगे उतनी अच्छी रोटी बनेगी इसकी। पराठे बनाने के लिए इसके ऊपर तेल डाल दिया जाता है और अगर तेल नहीं डाले तो ये चपाती हो जाती है। देखिए इस तरह से इसे बेल लेना है। मेरे आसपास कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं इसलिए आवाज़ थोड़ी होगी मेरी वीडियो में, इसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर देना। हो सकता है मैं अपने वीडियोज़ अभी बनाने थोड़े कम कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स में ऐसा जरूर शेयर करें।
हो सकती है आपके पास मेरे से भी अच्छी रेसिपी बनाने की टिप्स हो तो वो मेरे साथ जरूर शेयर करें, उससे मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। अब इसे सेक लेना है। चलिए सबसे पहले तवा को गर्म होने चढ़ा देना है। तवा गर्म हुई कि नहीं उसे भी चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा आटा डालकर, और जैसे ही आटा ब्राउन हो जाए समझे तवा गर्म हो गई है। आटा ब्राउन होने लगी है इसे हटा देना है और इसके ऊपर बेली हुई पराठा को डाल देना है। अब एक साइड हुई कि नहीं चेक कर लेती हूँ। अब दूसरे साइड भी पका लेना है। अब दूसरे साइड भी चेक कर लेना है पराठा हुई कि नहीं। इसे उलट पलट कर थोड़ा देखते रहना है। थोड़ी सी और सेक लेती हूँ। ये हो गई है। अब इसमें तेल लगाना है। तेल लगाने के लिए तवे पर ही हाफ चम्मच या एक चम्मच तेल डाल देना है और इसे इस तरह से करके और इसे पलट देना है, धीरे से उठाकर पलट देना है और दूसरे साइड भी तवे पर लगी हुई तेल ही लग जाती है। ये देखिए इसे उलटने में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि तवे पर तेल होती है वो छिलक सकती है, इसलिए धीरे से ही इसे पलटना है। ये देखिए कितनी सुंदर सी पराठा तैयार हो गई। इसी तरह से सारे पराठे बना लेना है। मैं इसके ऊपर ही पराठा डाल देती हूँ और इसे पलट लेना है। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसके ऊपर आ जाती है और इसे हटा लेना है इस तरह से उलट पलट कर ताकि दोनों साइड की तेल निकल जाए, और इसे भी उसी तरह से पका लेना है। जैसे ही एक साइड सिक जाए उलट देना है, दूसरे साइड भी उलट पलट कर चेक कर लेना है। दूसरे साइड भी सिक गई है। अब तवे पर तेल डालकर और इसे उलट पलट कर लगा लेना है। तवे पर डली हुई तेल ही दोनों साइड लग जाती है, बस इसे पलटने में ध्यान रखना है, नहीं तो तेल बाहर छिलकती है, इसलिए धीरे से इसे पलटे। देखिए हो गई पराठा तैयार। अब इसके ऊपर एक पराठा डालकर निकाल लेना है और इसे निकाल लेना है। इसे इस तरह से उलट के इसके तेल को उस पराठे में सोक कर देना है और निकाल लेना है। इसी तरह से सारे पराठे तैयार कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट चावल का पराठा तैयार किया जाता है। आप भी इसे बनाकर देखें, ये बहुत सॉफ्ट बनती है और इसे जैसे मर्जी खाएं, चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। चाहे तो इसे अचार के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, हर रूप में ये बहुत स्वादिष्ट लगती है और ये बहुत सॉफ्ट बनती है। वैसे तो मुझे चावल के पराठे ठंडे नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन ये ठंडी भी अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। ये भूख बढ़ा देती है एक खाने के बाद, इतनी स्वादिष्ट होती है। आप भी इसे बनाकर देखें और अपने कमेंट्स में से जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद है लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे आसपास बहुत जोरों से कंस्ट्रक्शन की काम चल रही है, हो सकता है मेरे वीडियो में उसकी आवाज़ आती हो, इसके लिए मैं आप सब उससे माफ़ी चाहती हूँ और मैं हो सकता है कुछ दिनों के लिए वीडियो डालना भी कम कर दूंगी। धन्यवाद।